हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है 25 जो कि हमारी सीरीज चल रही है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर ऑप्शन, फिर वीडियो को पॉज करेंगे, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, फिर वीडियो को प्ले करना है और सॉल्व करेंगे। ए सीवियरली डिप्रेस्ड क्लाइंट, जैसा कि आपको पता है लास्ट क्वेश्चन भी डिप्रेशन पर था, ये भी डिप्रेशन पर है। सीवियरली डिप्रेस्ड क्लाइंट इज टू हैव एन ECT। व्हेन डिस्कसिंग दिस थेरेपी व्हाट शुड द नर्स टेल द क्लाइंट? स्लीप विल इंड्यूस एंड ट्रीटमेंट विल नॉट कॉज पेन। With new method of administration, treatment is totally safe. It is better not to talk about it, but you can ask any question you like. There may be some permanent memory loss as a result of the treatment. Video को pause करें और question को एक बार और पढ़ें, option को दो दो बार पढ़ें, पूरा time लें, comment box में answer दें और फिर हम इसे solve करते हैं। Your time starts now. You have only 15 seconds. Let's start. Question मैं एक बार और समझा देता हूँ, जब तक आप अपने answer select कीजिए। डिप्रेशन का क्लाइंट है और उसे ECT लगी है या ECT देनी है। इस थेरेपी को डिस्कस करते समय, ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को डिस्कस करते समय, नर्स क्लाइंट को क्या बताना चाहते हैं या क्या बताना चाहिए? नर्स बताएंगे स्लीप विल इंड्यूस, स्लीप इंड्यूस होगी और ट्रीटमेंट विल नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ पेन, ट्रीटमेंट कोई दर्द नहीं करेगा। इस नए मेथड के आने से ट्रीटमेंट पूरी तरह टोटली सेफ हो गया है। इट इज बेटर नॉट टू टॉक अबाउट इट बट यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं जो आपको लग रहा है, पर इस बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए। देयर मे बी सम परमानेंट मेमोरी लॉस, या फिर कुछ परमानेंट मेमोरी लॉस होगा इस रिजल्ट के ट्रीटमेंट के बाद। नर्स को, क्लाइंट को क्या बताना चाहिए? देखिए, सबसे पहले इसका क्लियर कट आंसर हम रिमूव कर रहे हैं और क्लियर कट आंसर यह है, दिस इज द क्लियर कट आंसर जो नहीं है, क्योंकि ECT के बाद परमानेंट नहीं टेम्परेरी मेमोरी लॉस होता है। ECT के बाद परमानेंट नहीं टेम्परेरी मेमोरी लॉस होता है जो कुछ ही टाइम में रिकवर हो जाता है। बेटर नॉट टू टॉक अबाउट इट बट ये आपने क्या किया, ये आपने क्या किया, इस बारे में बात ही नहीं करनी है, ये तो आपने फर्दर कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर दिया। दूसरी बात, क्लाइंट सीवियर डिप्रेस्ड है, वो क्यों पूछने लगा आपसे कोई क्वेश्चन? हो सकता है उसको एंजाइटी हो, फियर हो, वो आस्क ही नहीं कर पाए और ऊपर से आपने कम्युनिकेशन को भी क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। इस न्यू मेथड के एडमिनिस्ट्रेशन होने से यह थेरेपी बिल्कुल सेफ हो गई है। हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन में ऑप्शन आया हो, पर नथिंग इज टोटली सेफ। वी आर यूजिंग एनेस्थेसिया, वी आर यूजिंग मसल रिलैक्सेंट, वी आर यूजिंग मेनी काइंड ऑफ ड्रग लाइक कॉम्पोज, माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स, तो टोटली सेफ जैसी कोई चीज नहीं होती। पहली बात, टोटली सेफ जैसी कोई चीज नहीं होती, और वैसे भी टोटली, कंप्लीट, एंटायर ऐसे मीनिंग एक नेगेटिव वर्ड माने जाते हैं, मतलब कि ये आंसर नहीं होते, तो ये है आंसर रॉन्ग। आप समझ लीजिए सही आंसर, स्लीप इंड्यूस होगी, बिल्कुल होगी ECT से पहले। स्लीप हम उसको एनेस्थेसिया देंगे, हम मसल रिलैक्सेंट देंगे और ट्रीटमेंट से कोई पेन नहीं होता। जब हम ECT की डेफिनेशन भी पढ़ते हैं तो सबसे पहला वर्ड लिखते हैं, इट इज अ पेनलेस थेरेपी यूज्ड फॉर डिप्रेशन एंड सिज़ोफ्रेनिक पेशेंट विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बारबिट्यूरेट, एनेस्थेसिया एंड मसल रिलैक्सेंट। ये होती है इसकी डेफिनेशन, ट्रीटमेंट विल नॉट कॉज एनी पेन एंड स्लीप विल इंड्यूस। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सही आंसर है इसका ए। थैंक यू।